सबको जय मसी की। मैं जतिन बब्बर, प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आप सब जानते हैं कि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, हे बोझ से थके हारे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और चंगियाई दूंगा। तो आप सब ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। इस चैनल पे जब मैं प्रोफेट विजेंद्र सिंह जी की वीडियोस डालता हूँ, शेयर करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं या जिन तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है, उन तक सुसमाचार पहुंचा है। तब वो बोलता है जा, कह रहा कि आज सुबेदार के पास गया यीशु मसीह और पूछते हैं सुबेदार क्या चाहिए तुझे। बोलता है मेरा नौकर बीमार है। करा के क्या चाहिए, बोल क्या चाहिए कि वो चंगा हो जाए। बोलता करा चल मैं तेरे घर चलता हूँ। बोलता नहीं पापा, करा घर जाने की जरूरत नहीं है, तू यहीं से कह दे मेरा नौकर आज चंगा हो जाएगा। आज तू यहीं से कह दे, यहीं से। इसका मतलब आपके अंदर विश्वास का कर्म है तो परमेश्वर आज रात वो करेगा। आज तक आपने जैसा कहा वैसा यीशु ने किया। मैं कह रहा हूँ जैसा आपने यीशु ने आपको कहा आपने वैसा किया है, लेकिन आज वैसा होगा जैसा तुम कहोगे वैसा यीशु करेगा। आज कह रहा है जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। आज क्या आप तैयार है कि नहीं मांगने के लिए चर्च? आप जुड़ने के लिए तैयार है कि नहीं? क्या आप कर्म करने के लिए तैयार है? आप परमेश्वर के कामों में आप मदद करने के लिए तैयार हैं, अधीन रहने के लिए तैयार हैं? तो आज रात परमेश्वर किसी को जोड़ने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है यहाँ पर विश्वास करने आज कितने तैयार हो रहे हैं? आज हाथ उठाकर बताओ, आज कि बोलो कि आज मैंने जान लिया परमेश्वर, आज कि तेरे साथ जुड़ने से मैं आशीषित हो जाऊंगा यीशु के नाम में। हम पढ़ते लूका 13:10, जल्दी से पढ़ेंगे। हाँ देखो क्या लिखा। सप्त के दिन वो एक आराधनालय में उपदेश दे रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी और वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा कि वहाँ एक सप्त के दिन, सप्त का दिन, संडे का दिन, करें कि वो विश्राम दिन के दिन आराधनालय में प्रचार कर रहा था यीशु मसीह। और प्रचार करते करते उसको पता लगता है कि वहाँ एक स्त्री देखता है कि वो 18 साल से कुबड़ी थी और दुष्टात्मा ने उसको इतना पकड़ा और जकड़ा हुआ था कि वो कुबड़ी होगी थी और वो सीधी नहीं हो सकती थी, और उसी समय किसी रीति से भी वो सीधी नहीं हो सकती थी। लेकिन यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा और कहें कि और बुलाया और कहा, हे नारी, तू कह रहा है अपनी दुर्बलता से छूट गई है। लेकिन उसको समझ में नहीं आया कि यीशु मसीह मेरे लिए भविष्यवाणी क्यों कर रहा है। लेकिन आगे लिखा, कह रहा है कि यीशु मसीह ने, तब उसने उसके ऊपर हाथ रखा। क्या रखा? हाथ रखा, वह तुरंत सीधी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। और वो परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। चर्च, आज ये भविष्यवाणी है, आज तुम्हारे फ्यूचर खुलेंगे, आज तुम्हारे बंधन टूटेंगे, आज तुम्हारा बिजनेस जो कुबड़ा है सीधा होगा, तुम्हारा बच्चा जो नशे में कुबड़ा है सीधा होगा। मैं कह रहा हूं तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा घर आज तक नहीं बना सीधा होगा, आप चलवंत होंगे। आज एक एक जन पर हाथ रखूंगा, आप परमेश्वर की बड़ाई करके जाएंगे। आज लिखा वो औरत परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। आज मैं कह रहा हूं आज परमेश्वर की बड़ाई होगी। आज yes. आज परमेश्वर की महिमा होगी। आज yes. उसने कहा, कह रहा है कि मैं हाथ रखूंगा और तू परमेश्वर की महिमा करेगी। इसका मतलब कह रहा है कि बहुत सारे लोगों पर परमेश्वर यीशु मसीह हाथ रखता था, लेकिन कुछ लोग कह रहा चंगे नहीं होते थे। रीजन क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा नहीं करते थे। कह रहा है जब आपके सिर पे हाथ रखा जाए तो उसी समय बोलना है, थैंक यू जीसस, मेरा काम बन चुका है। yes. जो मैंने मांगा मिल गया है। Amen. जो तू चाहता है वो हो गया है। जैसा तू मुझे बनाना चाहता है मैं बन गया हूं। आज परमेश्वर की महिमा करती हुई जा रही थी और उसने 5 मिनट बाद देखा वो कुबड़ी सीधी हो गई। याद रखना, कह रहा है कि यीशु मसीह के पास 10 कोढ़ी आए और यीशु मसीह के पास, कह रहा है कि उसने 10 के 10 को छुआ और वो चंगे हो गए और उसी समय वो बड़ाई करने लगे परमेश्वर की। हालेलुया। याद रखना कि आज रात आपका जो भी काम कुबड़ा पड़ा है सीधा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जो मकान टेढ़ा पड़ा सीधा हो जाए। जो काम बच्चा बाहर नहीं जा रहा सीधा बाहर। प्लेन में बैठेगा, मैं प्लेन की आवाज सुन रहा हूं। और जो प्लेन खराब है आपकी नजर में, आपका पासपोर्ट खराब है, आपका एजेंट खराब है, मैं कह रहा हूं कुछ भी खराब होगा आज सबका सब सीधा होगा यीशु मसीह के नाम में। आपके काम बनेंगे। जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, मैं कह रहा हूं कुबड़े पड़े रिश्ते सीधे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आपकी टेस्ट मनी कुबड़ी कर दी है किसी ने, सीधी आएगी आपकी गली में। आज आपके टेस्ट मनी बनेगी। आमीन बोलने वाला। आमीन।
तैयार हो के नहीं आज? यस। लेकिन सुनो एक गहरी बात, इसी के 16 को हम पढ़ते हैं, पढ़ो पास्टर अशोक। हाँ। तो क्या उचित ना था कि ये स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिस शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था। सुनो, कौन कह रहा है यहाँ पर? जब इस यीशु मसीह ने इसको चंगा किया तो उसी समय एक आदमी शैतान बनकर कह रहा है, यीशु मसीह के सामने आता है और बोलता है, कह रहा है, तेरे को पता है संडे के दिन चंगा करते हैं किसी को, संडे के दिन हाथ रखते हैं किसी के ऊपर? उसने कहा अच्छा। कह रहा है कि सुनो, अगर तुम्हारे पशु को भूख लगती है, प्यास लगती है, तुम्हारे बैल और गधे को, तो तुम उसको संडे के दिन पानी नहीं पिलाते हैं? बोलते पिलाते हैं। कह रहा है कि मेरे लोगों को भी, कह रहा है अगर चंगाई की प्यास लगेगी आज, कह रहा है संडे हो या मंडे हो, फ्राइडे हो वीरवार हो, कह रहा है कि मैं सबको आज प्यास बुझा कर भेजूंगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा हाँ, फिर क्या लिखा? सप्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। हाँ, तो क्या उचित ना था कि यह स्त्री अब्राहम की बेटी है? हाँ। जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था। हाँ। सब के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह ने बताया यहाँ पर, कह रहे हैं कि यह अब्राहम की बेटी है, तुम कौन हो? तुम जितने मसीह को मानते हैं, जितने लोग परमेश्वर के घर में एक दिन के लिए भी पैर रख लेते हैं, वो परमेश्वर के, कह रहे हैं कि बेटे के अब्राहम इसहाक याकूब की संतान बन चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। और वो कह रहा है ये अब्राहम की बेटी है, कह रहा है लेकिन शैतान ने, कह रहा है कि इसको कुबड़ा किया हुआ है, कह रहा है कितने टाइम से, कह रहा है कि इसको बंधन में लिखा यहाँ पर, कह रहा है कि बंधन था इसके ऊपर 18 साल का। हो सकता है आपके ऊपर, कह रहा है आपके घर में आपका पति आपकी सुन ना रहा हो, आपकी पत्नी आपकी सुन नहीं रहा हो, मैं कह रहा हूँ कि आपके परिवार में आपके क्लेश हो रहा हो, घर में क्लेश हो रहा हो, शांति ना हो। हो सकता है, कह रहा है कि आप बीमारी के कारण, कह रहा आप 18 साल से बंधे हो, आप एक मकान खरीदने के लिए 18 साल से बंधे हो, आप किसी भी चीज से बंधे हुए हैं, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? कह रहा ये 18 साल से कुबड़ी बंधी हुई थी बीमारी से। हो सकता है आपके शरीर में, अंग में कोई बंधन ऐसा हो जो अब तक सीधा ना हो रहा हो, आपका शरीर का अंग, हो सकता है लीवर है, किडनी है, बीमारी है, प्रॉब्लम है, लेकिन यीशु मसीह ने क्या करा? आज मेरे हाथ रखने से बंधन खत्म हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपका विश्वास करना जरूरी है आज। आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में कुछ नया करना चाहता है। क्या आप तैयार हैं आज परमेश्वर के लिए? आज कर्म करने के लिए तैयार है? हालेलुया बोलने के लिए तैयार है आज? करा, लेकिन उसने कहा, करा मैं सप्त के दिन, हालेलुया। एक सीक्रेट बता रहा हूं, इस यहां पर क्यों कहा यीशु मसीह ने? क्योंकि यीशु मसीह जानता था, क्योंकि कर्म क्या है, आज्ञा क्या है, अधीनता क्या है, क्योंकि परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी, जो संडे के दिन चर्च में नहीं आते उनके काम बंधन में चले जाते हैं, वो कुबड़े हो जाते हैं। इसलिए जो लाइव में सुन रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, कह रहा इसलिए हमने जगह जगह पर ब्रांचें लगाई हैं, जगह जगह पर हमने जगह जगह पर ब्रांचें लगाई हुई हैं, इसलिए आप संडे में वहां जाया करो। जो संडे में नहीं जाता उसके ऊपर बंधन होते हैं। हालेलुया। ये औरत जो थी, ये संडे चर्च नहीं जाती, दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया इसको, 18 साल इसको घर में रखा, तड़पती रही, लेकिन जिस दिन ये सप्त के दिन आई और परमेश्वर ने उसके ऊपर से बंधन को तोड़ दिया यीशु मसीह के नाम में। आज याद रखना, करा कि आपको एक फैसला लेना है कि मैं अपनी जिंदगी में परमेश्वर कभी संडे का दिन मिस नहीं करूंगा। अगर आप ऐसा समझ रहे हैं, जो मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, कैसा भी कुबड़ा काम है, मैं कह रहा हूं सीधा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए यहां पर लिखा, जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा आज। आप क्या मांगते हैं मुझे नहीं पता, आपका विश्वास क्या है, आप देखो क्या मांग सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ी चीज मांग कर देखो, मैं कह रहा हूं। लेकिन हम ज्यादा बड़ी चीज मांगते हैं, हम क्या मांगते हैं, हम कार मांगते हैं, लेकिन थोड़ी देर कार कैसे मांगते हैं पता है? हम पहले हिसाब लगाते हैं कि परमेश्वर मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, इतने हैं, मुझे लोन कितना मिल जाएगा, मेरे रिश्तेदारों से मुझे कितना पैसा मिल जाएगा, मेरे को कितने लोग मुझे उधार दे देंगे, फिर बैंक वाले से बात करते हैं, फिर बोलते हैं उसको बैंक वाले तू मुझे कितना लोन देगा, वो कहता है कि मैं तुझे 30% लोन दूंगा, 40% दूंगा, फिर वो परमेश्वर से सिर्फ इतना मांगते हैं कि परमेश्वर 40% दे दे जिससे मेरा मकान बन जाए, बाकी लोन मैं किस्तें बना लूंगा। हालेलुया। लोग ऐसे मांगते हैं आजकल, मांगते हैं कि नहीं? लोग आजकल अपनी हैसियत देखकर मांगते हैं, हाँ या ना? परमेश्वर से आप क्या मांगते हैं पता है? आप अपनी चद्दर देखते हैं, आपके अपने अंदर झांकते नहीं हैं, आप अपने बैंक बैलेंस को देखते हैं, अपनी हैसियत को देखते हैं कि मेरी हैसियत है हेलीकॉप्टर खरीदने की, मेरी हैसियत नहीं है। मेरा बाप ड्राइवर की जॉब करता था जब मैं प्रभु में आया, तब से मैंने देखा मेरी हैसियत नहीं है हेलीकॉप्टर मांगने की,
लेकिन उस दिन से परमेश्वर को बोल रहा हूँ हेलीकॉप्टर दे, तूने कहा कुछ मांगोगे मिल जाएगा आज। आमीन। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। आज मैं कह रहा हूँ कि जो कुछ मांगता हूँ परमेश्वर मुझे देता है। आपको नहीं पता मैं पूरे 7 दिन में एक दिन मैं हेलीकॉप्टर में घूम के आता हूँ। मेरे पास 2 स्वर्गदूत आते हैं और वो मुझे सपने में हेलीकॉप्टर में घुमा रहे होते हैं और ये भविष्यवाणी आप एक दिन पूरी होते देखेंगे। आमीन। मेरे पास कुछ नहीं है, इनकम टैक्स ने चापा तक मार लिया। ये हेलीकॉप्टर मांगता है तो इसका मतलब कोई ना कोई राज है। और कोई पीछे बैठता था उसने कहा उसने 100 करोड़ छुपा रखे हैं भाई साहब। बेवकूफ कहेंगे 100 करोड़ तो मैं इनसे मांगता। मैं उल्टा ने दे दे कर भेजता, लो 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 लो। नहीं ये करे आमीन, लेकिन अभी मैं ऐसे दे रहा हूं लो। आमीन। क्या विश्वास है कि नहीं? हाँ या ना? यस। अरे करा जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं?